देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसको देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। बता दें, बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के साथ आज सभी राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों को लेकर वर्चुअली मोड पर समीक्षा बैठक की है। बता दें, बैठक में हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम सांडेल के सहित स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी भी भाग लिए। आपको जानकारी दे दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 13 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है और 6000 से ज्यादा कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। तो देखिए, लगातार कोरोना जो है पैर पसार रहा है, ऐसे में केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसे लेकर एक बार फिर से बैठक की गई है। आपको बता दें, वर्चुअली इसे ये बैठक की गई है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ये बैठक की है। देखिए भाई, अगर आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई, जबकि 6000 मामले जो है वो देश में सामने आ चुके हैं। तो ये मामले जो है चिंता का विषय है। फिलहाल इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से अलर्ट है।